आज हम लोग जो है वो पॉलीमर्स चैप्टर करने वाले हैं, लाइन टू लाइन एनसीईआरटी जो है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट ये लेक्चर होने वाला है। पेन कॉपी निकाल लीजिए बेटा, सारा लेक्चर जो है वो हम लोग नोट करने वाले हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हम लोगों को जो है वो एक चीज यहां से जो है वो नाम से ही बहुत सारी चीजें यहां पर पता लग रही है। देखो, पॉलीमर का मतलब हम लोगों के पास होता है ये दो टर्म्स से मिलके बना हुआ। एक टर्म है पॉली, जिसके अंदर हम लोगों के पास का मतलब रहता है कि बहुत ज्यादा लार्ज नंबर कहीं पे अगर प्रेजेंट है तो उसके लिए पॉली वर्ड हम लोग यूज कर लेते हैं। जैसे मैथमेटिक्स में भी आप लोगों ने देखा होगा पॉलीनोमियल्स जो है वो हम लोगों के पास रहते हैं। और मर्ज से हम लोगों के पास मतलब है कि ऐसी यूनिट या ऐसा पोर्शन जो एक लार्ज नंबर में जो है वो रिपीट कर रहा है और बार बार जो है वो एक सर्टेन फैशन में एक दूसरे के साथ अटैच है और एक बहुत बड़े मॉलिक्यूल का जो है वो फॉर्मेशन कर रहा है। जैसे ना मैं यहां पे एक बहुत ही कॉमन टर्म है, आप लोगों ने सुना होगा, पॉलीइथीन, ठीक है, जिसको हम लोग पॉलीथीन भी बोल देते हैं। तो इसको मैंने जान के ऐसे स्पेलिंग इसके लिखे हैं, तो पॉली मतलब बहुत ज्यादा नंबर ऑफ इथीन के मॉलिक्यूल्स। अब इथीन हम लोगों के पास जो है वो ये रहता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको हम लोग जो है वो इथीन बोलते हैं। अब जब बहुत ज्यादा नंबर ऑफ इथीन के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ एक सर्टेन फैशन में जो है जब अटैच हो रहे हैं, मान लो मैं इथीन का मॉलिक्यूल हूं, ये दूसरा इथीन का मॉलिक्यूल है, मैं इथीन के मॉलिक्यूल ने इस दूसरे वाले इथीन के मॉलिक्यूल का हाथ पकड़ लिया, उसने अगले का हाथ पकड़ लिया, उसने अगले का हाथ पकड़ लिया, जिससे क्या हुआ, ये इथीन का मॉलिक्यूल जो था वो बहुत ज्यादा नंबर में जो है वो रिपीट कर रहा, जिसको हम लोग जो है वो पॉलीइथीन बोल देते हैं। तो बहुत एक सिंपल एग्जांपल हो गया पॉलीमर्स का, जिसको हम लोग पॉलीथीन जो है वो बोल देते हैं। तो मैं ज़ूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये जो है वो आपको एक टर्म के तौर पे जो है वो क्लियर हो गया। आगे हम लोग बढ़ते रहेंगे और चीजें जो है वो समझते रहेंगे कि क्या क्या जो है वो हम लोगों के पास यहां पर है। तो अब यहां पर एक चीज और बेटा आपको समझनी है, इसको देखो जरा ध्यान से, ठीक है। तो इन मॉलिक्यूल्स का जो एक सर्टेन फैशन में अटैच होते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा नंबर में अटैच हो रहे हैं, तो इनका मॉलिक्यूलर मास जो है वो काफी ज्यादा हाई जो है वो हम लोगों के पास रहता है, और इनको हम लोग मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी जो है वो बोल देते हैं। अब ये रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट जो है वो एक सिंपल और रिएक्टिव मॉलिक्यूल से बनी है, जिसको हम लोग मोनोमर बोलते थे। जैसे अभी मैंने बताया पॉलीइथीन, इथीन एक ऐसा यूनिट है जो कि एक रिएक्टिव यूनिट होने के साथ साथ जो है वो एक बहुत लंबी चेन को फॉर्म करने की कैपेबिलिटी जो है वो हम लोगों के पास रख रहा है। अब वो जो मैंने बोला ना, ये इथीन का मॉलिक्यूल है, ये दूसरे इथीन के मॉलिक्यूल के साथ अटैच है, वो तीसरे इथीन के मॉलिक्यूल के साथ अटैच है, तो ये जो इथीन का मॉलिक्यूल है ये एक रिएक्टिव मॉलिक्यूल होने के साथ साथ जो है वो एक लॉन्ग चेन को फॉर्म करने की कैपेबिलिटी रखता है। सिंपल रिएक्टिव मॉलिक्यूल है और इस रिपीटिंग यूनिट को हम लोग जो है वो मोनोमर जो है वो बोल देते हैं। अब ये मोनोमर्स एक दूसरे के साथ किस तरीके से अटैच है, कोवेलेंट बॉन्ड्स जो है वो इन लोगों ने यहां पे बना रखे हैं। तो ये एक प्रोसेस जिसमें बहुत सारे मोनोमेरिक यूनिट्स जैसे इथीन जो है वो एक सर्टेन फैशन में एक लंबी सी चेन बना के जो है वो अटैच हो रहे हैं, तो उस प्रोसेस को हम लोग जो है वो पॉलीमराइजेशन जो है वो बोल देते हैं। पॉलीमराइजेशन मतलब पॉलीमर्स का बनना, तो पॉलीमराइजेशन से जो है ये सारी की सारी चीजें जो है वो फॉर्म हो रही हैं। तो एनसीईआरटी आपके साथ है, ये सारी चीजें आपने समझ ली। नेक्स्ट जो है वो मैं स्टेप पे मूव कर रहा हूं। अब हम लोगों के पास बेटा जी यहां पे देखो क्लासिफिकेशन जो है वो हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो इसको यहां पे लगा के धीरे धीरे जो है एक एक स्टेप हम लोग जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, कोई जल्दी नहीं है अपने को। तो सबसे पहले देखो कौन कौन सी कैटेगरीज जो है वो हम लोगों के पास पॉलीमर्स की होती है। सबसे पहली कैटेगरी हम लोगों के पास पॉलीमर्स की जो है वो है नेचुरल पॉलीमर्स, मतलब जो पॉलीमर्स नेचर के अंदर एज इट इज जो है वो बायोमोलिक्यूल्स की फॉर्म में या किसी और फॉर्म में जो है वो अवेलेबल है, वो जो है वो हम लोगों के पास एक नेचुरल पॉलीमर्स जो है वो हो गए, जो नेचर में अवेलेबल है, सिंपल, ठीक है। अब देखो द पॉलीमर्स विच आर फाउंड इन जो प्लांट्स के अंदर अवेलेबल हैं, एनिमल्स के अंदर जो है वो अवेलेबल है, जैसे हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन हो गया, सेलुलोज हो गया, स्टार्च हो गया, रबर हो गया, कुछ और रिजन्स जो है वो हो गए, ये सारे के सारे जो है वो एक नेचुरल पॉलीमर वाली कैटेगरी के अंदर जो है वो फॉल करते हैं। तो मैं ज़ूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये जो है वो आपको क्लियर है। उसके बाद बेटा हम लोग जो है वो बात करेंगे सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स की। अब देखो सिंथेटिक वर्ड जहां पे भी हम लोगों के पास जो है ना वो आएगा, उसका एक मतलब है हम लोगों के पास कि यार इंसान ने उसके अंदर कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शंस करवा के किसी नेचुरल चीज के अंदर
और अपना ही एक बाई प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म किया। तो सेमी सिंथेटिक का मतलब कोई जैसे सेलुलोज हम लोगों के पास एक नेचुरल पॉलीमर हमने ले लिया, ठीक है, वो डेरिवेटिव एज सेलुलोज एसीटेट जो कि हम लोग रेयॉन बनाने का काम जो है वो कर रहे हैं। मतलब इसको आप ऐसे सेमी सिंथेटिक का मतलब समझो, हमने एक नेचुरल पॉलीमर लिया, उसकी कुछ केमिकल रिएक्शंस जो है वो करवाई और उससे हमारा कोई यूजफुल प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म हो रहा है। मतलब स्टार्टिंग जहां से हुई है वो एक नेचुरल पॉलीमर ही है, उसके ऊपर कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शंस करवा के हमने एक नया ही मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर लिया जो कि हम लोगों के लिए काफी यूजफुल है। जैसे ये सेलुलोज एसीटेट रियॉन जो है ये हम लोगों के पास एक आर्टिफिशियल वूल का काम जो है वो कर रही है। सेलुलोज नाइट्रेट ये जो है वो इस कैटेगरी के एग्जांपल्स जो है वो होते हैं। तो सेलुलोज पकड़ा, कुछ केमिकल रिएक्शंस करवाई और उससे एक नया ही मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करा, तो उसको हम लोग जो है वो सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स जो है वो बोल देते हैं। तो मैं ज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये जो है वो आपको क्लियर है। उसके बाद देखो बेटा टर्म हम लोगों के पास आ रही है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंथेटिक। सिंथेटिक का मतलब है कि यार इंसान ने अपने ही केमिकल्स से जो है वो स्टार्ट करा, किसी नेचुरल प्रोडक्ट की हेल्प जो है वो नहीं ली और एक नई ही चीज का जो है वो फॉर्मेशन कर दिया जिसको हम लोग पॉलीमर जो है और सिंथेटिक वाला पॉलीमर जो है वो बोल रहे हैं। अब जैसे प्लास्टिक जो है वो पॉलीथीन जो है वो एकदम इथीन मॉलिक्यूल से स्टार्टिंग होके बहुत सारे इथीन मॉलिक्यूल्स की जो मोनोमर्स हैं जिसको हम लोग इथीन बोलते हैं वो एक बाय एक बाय एक बाय एक दो है वो एक दूसरे के साथ जोड़ दी, पॉलीथीन बन गया। वो भाई इंसान ने खुद बनाया, कहीं पे भी किसी नेचुरल प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं किया। उसके बाद नायलॉन जो है वो 6-6 जो कि एक सिंथेटिक फाइबर का धागे का जो है वो काम कर रहा है, ठीक है। सिंथेटिक रबर जो है वो बना दिया जिसको ब्यूना एस जो है वो हम लोग बोल रहे हैं। ये सारे के सारे जो है वो मैनमेड पॉलीमर्स हैं और एक्सटेंसिवली यूज हो रहे हैं हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर और जो है वो बहुत सारी इंडस्ट्रीज के अंदर भी जो है ये इस्तेमाल हो रहे हैं। तो मैं ज़ूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये तीनों कैटेगरीज पॉलीमर्स की जो है वो आपको क्लियर है। अब आगे हम लोग जो है वो देखने वाले हैं कि कौन कौन सी टाइप की हम लोगों के पास जो है वो पॉलीमेरिक रिएक्शंस जो है वो हो रही है, मतलब इन शॉर्ट बन कैसे रहा है, कैसे केमिकल। देखो यार केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं पॉलीमर्स की, कोई ज्योग्राफी तो हम लोग पढ़ नहीं रहे कि हम लोगों ने देखना है कि भैया कहाँ पाया जाता है, कहाँ इंडस्ट्री लगी, अपने को कोई मतलब नहीं। अपने को देखना है यार केमिकल रिएक्शन कैसे हुई, वो भाई बनाया कैसे है, कौन से इनिशिएटर्स यूज किए, कौन से प्रोपेगेटर्स यूज किए, कैसे बाई प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म हुआ, कैसे उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सी बॉन्डिंग उसके अंदर अवेलेबल है, सब जो है वो बेटा जी हम लोग देखने वाले हैं। तो आगे देखो टाइप ऑफ पॉलीमेरिक रिएक्शंस जो है वो हम लोगों के पास कौन कौन सी हो रही हैं वो हम लोग जो है वो यहां पे अंडरस्टैंड करेंगे। तो सबसे पहले इस चीज को जो है वो आप अपने दिमाग में बिठा लो, ठीक है। तो मैं पहला मैकेनिज्म जो आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा ना कि जिस मैकेनिज्म से हम लोगों के पास जो है वो एक पॉलीमेरिक रिएक्शन हो रही है उसको हम लोग जो है वो बोल देते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो वैरायटी ऑफ एल्कीन्स ले लो, डाइईन्स ले लो या उसके कोई भी डेरिवेटिव्स ले लो, वो पॉलीमराइज कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अ फ्री रेडिकल जनरेटिंग इनिशिएटर जिसको हम लोग जो है वो कैटलिस्ट बोल रहे हैं। जैसे बेंजोइल परोक्साइड ले लो, एसिटाइल परोक्साइड ले लो, टर्शरी ब्यूटाइल परोक्साइड ले लो, ये चीज आप याद रखो। देखो ये मतलब विच कैन बी यूज्ड एज अ इनिशिएटर फॉर जनरेटिंग अ फ्री विच कैन बी यूज एज अ इनिशिएटर इन द पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। अब कौन कौन से इनिशिएटर्स यहां पर ध्यान से देखो छोटी छोटी चीजें हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेंजोइल परोक्साइड यूज कर रहे हैं, एसिटाइल परोक्साइड यूज कर रहे हैं, टर्शरी ब्यूटाइल परोक्साइड जो है वो यूज कर रहे हैं। द पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन टू पॉलीथीन कंसिस्ट ऑफ हीटिंग और एक्सपोजिंग टू द लाइट अ मिक्सचर ऑफ इथीन विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ बेंजोइल परोक्साइड एज अ इनिशिएटर। मतलब क्या है कि जब हम लोग पॉलीथीन जो है वो बनाने लगे हैं तो इथीन के मॉलिक्यूल को, देखो पॉलीथीन बनाने के लिए हमारा जो स्टार्टिंग यूनिट है वो हम लोगों के पास क्या है, इथीन है। इस इथीन के मॉलिक्यूल को हम लोग जो है वो बेंजोइल परोक्साइड के साथ, मैं यहां पर इसको हाईलाइट कर रहा हूं, ये बेंजोइल जो है और यहां पर जो ये परोक्साइड है इसके साथ जो है वो हम लोग मिक्स करके सनलाइट को जो है वो एक्सपोज कर रहे हैं, लाइट को जो है वो एक्सपोज कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है मैं अभी स्टेप बाय स्टेप जो है वो आपको नीचे यहां पे समझा रहा हूं, ठीक है। देखते रहना, ये तो अंग्रेजी लिख रखी है, हम लोग इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि ये रिएक्शन जो है वो हम लोगों के पास किस तरीके से जो है वो हुई। देखो यहां पर ध्यान से इस चीज को अंडरस्टैंड करना, ये हम लोगों के पास है बेंजोइल परोक्साइड, बेंजीन लगा हुआ है, ठीक है,
और परोक्साइड ऑयल जो है वो हम लोगों के पास इस ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं यहां पे इसको करके बता रहा हूं, देखो C6 हम लोगों के पास क्या है, H5 है, उसके बाद हम लोगों के पास ये किसके साथ अटैच है, C डबल बॉन्ड हो, देखो परोक्साइड लिंकेज है, तो इसका मतलब OO बॉन्ड का प्रेजेंस तो होगा ही होगा। अब ये सारा का सारा सेम रिपीट है और हम लोगों के पास ये यहां पे क्या बन रहा है, C डबल बॉन्ड हो और C6H5 जो है वो फॉर्म हो रहा है। अब इसको यहां पे थोड़ा सा जो है वो आप अंडरस्टैंड करो, तो ये इसका इलेक्ट्रॉन है और ये इसका इलेक्ट्रॉन है। सबसे पहले क्या हो रहा है, फ्री रेडिकल्स जो है वो फॉर्म हो रहे हैं। फ्री रेडिकल्स फॉर्म होने से मतलब क्या है कि ये बॉन्ड जो है वो यहां से ब्रेक करेगा, ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया, ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके जो है वो भाग गया, भागा नहीं है मतलब अभी यही है। तो ये देखो ये क्या फॉर्म हो रहा है, मैं यहां पे जो है वो आपको फॉर्म करके बता रहा हूं। तो ये बन रहा है हमारे पास C6H5 C डबल बॉन्ड O O, ये रेडिकल जो है वो हम लोगों के पास फॉर्म हो गया। अब इस रेडिकल का जो है वो क्या हो रहा है, ये CO2 का मॉलिक्यूल जो है वो यहां से अपना इलेक्ट्रॉन छीन रहा है और एक फिनाइल रेडिकल का फॉर्मेशन जो है वो कर रहा है। मतलब यहां से क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड तो रिलीज हो रही है एज इट इज जो है वो निकल रही है, उसके बाद यहां पे क्या है हमारे पास C6H5 रेडिकल जो है वो हम लोगों के पास फॉर्म हो गया। अब जिसको हम लोग जो है वो क्या बोल देते हैं, फिनाइल रेडिकल जो है वो बोल देते हैं। मतलब इन शॉर्ट ये बेंजोइल जो हम लोगों के पास था, मैं एक बार क्लियर कर दूं, एक बार नोट कर लो इसको, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग होगी है तो इसको आप जो है वो लिख लो, उसके बाद मैं आपको एक बार यहां से बता रहा हूं दोबारा से, इसको ध्यान से देख लेना। देखो ये बॉन्ड यहां से टूटा, ये बना, फिर फिनाइल रेडिकल बना, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इसके अंदर से हट गया। अब देखो ये जो हमारे पास फिनाइल रेडिकल बना ना, क्या बना हमारे पास C6H5 जो रेडिकल बना उसने, अब देखो हमने इथीन में डाला है ये बेंजोइल परोक्साइड जो है, उसने क्या किया, CH2 डबल बॉन्ड CH2 के साथ जो है वो एक रिएक्शन करनी चाहिए, अपना इलेक्ट्रॉन इसको प्रोवाइड किया और यहां पे रेडिकल का जनरेशन जो है वो हुआ। मतलब इन शॉर्ट आप इसको ऐसे समझ लो कि ये जो कार्बन था इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्डिंग करने में इस्तेमाल कर लिया और इसको बोल लिया यार मेरे को थोड़ा सा देख लेन दे कि C6H5 का जो रुतबा है वो कैसा है। ठीक है, मतलब C6H5 को परखने के लिए भैया उसने जो है वो C6H5 साथ में जो है वो हम लोगों के पास CH2 और यहां पे जो है वो CH2 रेडिकल का फॉर्मेशन जो है वो हो गया। मतलब ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हम लोगों के पास प्रेजेंट थे यहां पे इस पर्टिकुलर जगह पे, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके जो है वो खुश हो गया। तो ये एक इनिशिएशन स्टेप के तौर पे जो है वो हम लोगों के पास काम हो रहा है। तो मैं ज़ूम करके चल रहा हूं बेटा जी, इनिशिएशन जो है वो आपको क्लियर है इसका, आगे जो है वो हम लोग बढ़ रहे हैं। उसके बाद प्रोपेगेशन से मतलब होता है बेटा जी ये चेन जो है वो आगे किस तरीके से जो है वो हम लोगों के पास यहां पे बढ़ रही है। तो प्रोपेगेट कैसे कर रही है रिएक्शन, वो जो है वो हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे। अबे यार ये हो जा भाई ऊपर, चेन प्रोपेगेशन जो है उसको आप अंडरस्टैंड करो। अब ये देखो ये हमारे पास जो है अभी हमने पिछले स्टेप में जो है वो फॉर्म किया, अब ये क्या करेगा, दूसरे किसी थीन के मॉलिक्यूल के साथ एक बॉन्ड बनाएगा और ये जो है वो इसको तोड़ देगा। अब यहां पे देखो ये चेन और लंबी होगी, देखो ये क्या बन रहा है, C6H5 बन रहा है, साथ में CH2 फिर CH2, ये तो इसी का हो गया मॉलिक्यूल का, अब ये इसके CH2 के साथ बॉन्ड बना चुका है और आगे ये CH2 का मॉलिक्यूल जो है वो रेडिकल फॉर्म कर रहा है। फिर ये देखो फिर ये वाला जो है फिर आगे फर्दर किससे कंबाइन करेगा, सेम यार क्योंकि अब ये पॉलीमराइजेशन रिएक्शन चल चुकी है, अब ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, फिर ये आगे उसके फर्दर वाले इथीन के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो इस तरीके से करके बहुत सारे इथीन के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगे और n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ अटैच हो के हम लोगों के पास किस चीज का फॉर्मेशन जो है वो करने वाले हैं, हमारे पास जो है वो फॉर्मेशन होने वाला किसका, पॉली इथीन का। तो पॉली इथीन का फॉर्मेशन जो है वो हम लोगों के पास यहां पे होगा। तो मैं ज़ूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये सेकंड वाला प्रोपेगेटरी स्टेप जो है वो आपको क्लियर है। अब क्वेश्चन आता है कि भैया चेन जो है वो टर्मिनेट किस तरीके से हो रही है, मतलब रिएक्शन बंद कैसे हो रही है। देखो अभी हमने पिछले स्टेप में जो ये फॉर्म किया, अब ये क्या हुआ, और बहुत सारे ये भी फॉर्म हुए होंगे, बहुत सारे फॉर्म हुए होंगे, वो आपस में जुड़ जाते हैं। देखो इसने मान लो 10-15-20 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन जो है वो जोड़ लिए, इसने भी जोड़ लिया, अब रिएक्शन जो है वो एंड कैसे कर रही है, 10-15-20 मॉलिक्यूल वाला दूसरे 10-15-20 मॉलिक्यूल वाले से जुड़ रहा है और
40-50 मॉलिक्यूल्स जो है वो फॉर्म हो रहे हैं। मतलब ये इसने इसके साथ एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया यहां पे। अब ये बॉन्डिंग जो है वो बहुत सारे इथीन मॉलिक्यूल्स को बना रही है, जोड़ रही है, जिसको हम लोग जो है अपने पास पॉली इथीन जो है वो बोल देते हैं। तो मैं ज़ूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये सब जो है वो आपको क्लियर है। उसके बाद यहां पे एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म जो है वो हम लोग समझने वाले हैं, जिसको हम लोगों ने यहां पे क्या लिखा हुआ, होमोपॉलीमर्स, और एक है हम लोगों के पास कोपॉलीमर्स। अब होमोपॉलीमर्स क्या है, देखो पिछले स्टेप के अंदर, पिछले क्वेश्चन के अंदर जो हम लोगों ने देखा, इथीन से पॉलीथीन बनता देखा, तो हमने क्या देखा, बहुत सारे इथीन के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच है। अब इसमें एक चीज जो आपको नोटिस करनी है वो ये है कि जो इथीन का मॉलिक्यूल है वो सेम है, एक इथीन, दूसरा इथीन, तीसरा इथीन, चौथा इथीन, पांचवा इथीन, सारे इथीन 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 ही है। तो जब सारे के सारे मोनोमरिक यूनिट्स जो है वो हम लोगों के पास सेम हो, तो जो पॉलीमर हम लोगों के पास फॉर्म हो रहा है उसको हम लोग जो है वो होमोपॉलीमर जो है वो बोल देते हैं। तो एडिशन ऑफ अ पॉलीमर फॉर्म्स फॉर्म्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ अ सिंगल मोनोमेरिक स्पीशीज, एक ही मोनोमर जो है वो अगर हम लोगों के पास फॉर्म हो रहा है, जैसे हम लोगों ने जो है वो इथीन को डिस्कस किया, तो वो हम लोगों के पास क्या बन रहा है, पॉली इथीन, उसको हम लोग जो है वो होमोपॉलीमर बोल रहे हैं। अब इसी का दूसरा जो प्रोस्पेक्टिव है कि अगर ऐसा ना हो, तो अगर जो है वो दो डिफरेंट हम लोगों के पास जो है वो मोनोमेरिक यूनिट एक दूसरे के साथ जुड़े, तो उसको हम लोग जो है वो कोपॉलीमर बोल देते हैं। अब यहां पे एक एग्जांपल है ब्यूना एस का, जो कि एक कोपॉलीमर है, और ये कैसे फॉर्म हो रहा है इसको तो मैं भैया अच्छे से जो है वो आपको समझाने वाला हूं, ठीक है। थोड़ी जगह बना लेते हैं हम लोग। अब यहां पे देखो, ये देखो, ये है हम लोगों के पास CH2, डबल बॉन्ड CH2, फिर CH, फिर CH, फिर डबल बॉन्ड CH2। मतलब ये ब्यूटा, ब्यूट क्यों बोला इसको, क्योंकि यहां पे जो है वो चार अटैच है एक दूसरे के साथ। और डाइईन क्यों बोला, वन और थ्री पे जो है, जैसे यहां पे वन टू थ्री पे जो है, और क्या प्रेजेंट है हम लोगों के पास, ईन, मतलब डबल बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट है। तो ये 1,3 ब्यूटा डाइईन जो है वो हम लोगों के पास हो गया। अब इसको मॉलिक्यूल को, ये बेसिकली क्या है, C6H5, मतलब इसको अगर आप ऐसे समझ लो तो ये एक बेंजीन का जो है वो हमारे पास मॉलिक्यूल है, और उसके साथ जो है वो हम लोगों के पास CH डबल बॉन्ड CH2 जो है वो अटैच है, जिसको हम लोग स्टाइरीन जो है वो बोल देते हैं। तो एक हो गया 1,3 ब्यूटाडाइईन, दूसरा हो गया हम लोगों के पास स्टाइरीन। अब ये दोनों मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ जो है वो अटैच हो रहे हैं। अब ये कैसे अटैच हो रहे हैं, ये पहले तो एक चीज समझो, देखो हम लोग समझ रहे हैं कोपॉलीमर्स। तो एक ये स्टाइरीन हो गया, एक 1,3 ब्यूटाडाइईन हो गया, दो अलग अलग यूनिट्स जब एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं तो उसको हम लोग जो है वो कोपॉलीमर्स जो है वो बोल रहे हैं। अब ये कैसे जुड़ रहे हैं, ये चीज मैं यहां पर जो है वो आपको रिएक्शन शो करके जो है वो यहां पर दिखा रहा हूं। इसको देखो बेटा, देखो ये, अब इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये हो गया 1,3 ब्यूटाडाइईन, ये हो गया हमारे पास स्टाइरीन। अब क्या हुआ कि ये जो मॉलिक्यूल है हम लोगों के पास, ये वाला रेडिकल, यहां पे डबल बॉन्ड इसके पास है, यहां पे इसके पास भी डबल बॉन्ड है, इसके पास भी डबल बॉन्ड है। तो होगा क्या, ये जो दो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके, ये एक ये वाला कार्बन दूसरी चेन के साथ अटैच करने की कोशिश करेगा, सिमिलरली ये वाला कार्बन दूसरी चेन के साथ अटैच करने की कोशिश करेगा, ध्यान से सुनते रहना। और ये दोनों कहेंगे भैया हम तो किसी चेन के साथ नहीं जुड़ सकते, हमारा इधर वाला भी कर रहा है, इधर वाला भी कर रहा है, इधर से भी शुरू कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब मत करो, ठीक है। तो ये आपस में यहां पर डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं। फिर से देखो ध्यान से, CH2 ये डबल बॉन्ड यहां से ब्रेक कर रहा है, और ये वाला डबल बॉन्ड यहां से ब्रेक कर रहा है, और इन दोनों रेडिकल्स का आपस में डबल बॉन्ड जो है वो फॉर्म हो रहा है। यहां पर देखो ध्यान से, मैंने अभी बताया आपको कि ये जो कार्बन नंबर 1 है वो आगे फर्दर फॉर्म कर लेगा, जो कि यहां पर हमने दिखा दिया, और कार्बन नंबर 2 जो है वो ये स्टाइरीन के मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो गया, ये स्टाइरीन के मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो गया, और बीच में जो है वो यहां पे जो है इस पोजीशन पे जो है वो डबल बॉन्ड आ गया। पहले तो एक डबल बॉन्ड का शिफ्टिंग किस तरीके से हो रहा है रिएक्शन के अंदर, ये आपको क्लियर है। उसके बाद बात करेंगे स्टाइरीन की। अब स्टाइरीन जो है वो देखो आप यहां पे किस तरीके से फॉर्म कर रहा बॉन्ड को, ये है एक्चुअल में CH2, और यहां CH2, और ये इस पर्टिकुलर जगह पे जो है वो हम लोगों के पास क्या अटैच है, बेंजीन अटैच है। इसके अंदर क्या हो रहा, इसके अंदर ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर रहा,
यहां रेडिकल फॉर्म हो रहा है, यहां रेडिकल फॉर्म हो रहा है। अब मैं यहां पे आपको करके बताता हूं थोड़ा सा इस पर्टिकुलर चीज को। ये बन गया रेडिकल और हम लोगों के पास ये आगे बॉन्ड बना रहा है और ये आगे बॉन्ड बना रहा है। तो ये देख लो, ये बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हम लोगों के पास हो गया। अभी किसके साथ जुड़ेगा? ऑब्वियसली जो दूसरी 1,3-butadiene वाली यूनिट है। तो इस मॉलिक्यूल ने अपनी इस वन वाली पोजीशन पे, ये वन वाली पोजीशन है इसकी, किससे अटैचमेंट कर लिया? ब्यूटाडाइन से अटैचमेंट जो है वो कर लिया। तो ये इस तरीके से हमारे पास ब्यूना एस, एस फॉर स्टाइरीन से जो है वो हम लोग बात कर रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर तरीके से जो है ब्यूना एस जो है वो हमारे पास एक कैटेगरी जो कि पॉलीमर्स की है वो फॉर्म हो रही है। तो इसको हम लोग को पॉलीमर्स जो है वो हम लोग बोल देते हैं। तो मैं ज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये जो है वो आपको क्लियर है। उसके बाद सम इंपॉर्टेंट एडिशन पॉलीमर्स, मतलब बहुत सारे कुछ इंपॉर्टेंट जो एडिशन पॉलीमर्स हैं, तो उसके अंदर यहां पे आप लोग ध्यान से देखना एडिशन पॉलीमर्स जो है वो क्या है, जो ऐड होके बन रहे हैं। ध्यान से इस चीज को अंडरस्टैंड करो, एडिशन, एडिशन पॉलीमर क्या है। फिर दोबारा से मैं बता रहा हूं आपको, जैसे एक मॉलिक्यूल दूसरा मॉलिक्यूल इथीन, इथीन ऐड होके पॉलीइथीन बन रहे हैं, तो दिस इज द एडिशन, ठीक है। उसके बाद अभी देखा 1,3-butadiene और स्टाइरीन आपस में ऐड हो रहे हैं, डबल बॉन्ड्स का स्विचिंग हो रहा है, फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन हो रहा है और आपस में जो है वो हाथ पकड़े जा रहे हैं, उसको भी हम लोग जो है वो एडिशन बोल रहे हैं। अब एडिशन कैटेगरी के अंदर कुछ और हम लोग जो है वो देखने वाले हैं। तो पॉलीथीन्स की अगर मैं बात करूं बेटा जी, तो पॉलीथीन्स जो है उसके अंदर भी आपने देखा होगा यार, एक प्लास्टिक, प्लास्टिक है एक्चुअल में, देखो प्लास्टिक की बॉटल भी आ रही है, प्लास्टिक का बहुत अच्छी क्वालिटी का मटेरियल भी आपने देखा होगा, पॉलीथीन भी देखा होगा, घटिया प्लास्टिक की क्वालिटी वाला मटेरियल भी देखा होगा। तो बहुत सारी कैटेगरीज के प्लास्टिक्स जो है वो हमारे पास जो है वो फॉर्म हो सकते हैं। अब उसके अंदर बेटा जी हम लोगों के पास सबसे पहली कैटेगरी आ रही है लो डेंसिटी पॉलीथीन, जिसको हम लोग LDPE भी बोल देते हैं। तो इट इज ऑब्टेन्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन, इथीन का पॉलीमराइजेशन हो रहा है, किस टेम्परेचर कंडीशंस पे हो रहा है वो चीज आप यहां पे जो है वो ध्यान से देख लेना, कौन कौन सी टेम्परेचर कंडीशंस पे जो हम लोगों के पास पॉलीथीन है वो फॉर्म हो रहा है। तो यहां पे देखो, सबसे पहले बहुत ज्यादा हाई प्रेशर है, कितना हाई प्रेशर है, 1000 से 2000 ATM, बहुत ज्यादा हाई प्रेशर हो गया, ठीक है। और टेम्परेचर कितना है, 350 से 570 केल्विन के बीच में, ठीक है। और प्रेजेंस ट्रेसेस ऑफ डाई ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं या परऑक्साइड इनिशिएटर जो है वो यूज कर रहे हैं एज ए कैटलिस्ट, ठीक है। तो लो डेंसिटी पॉलीथीन जिसको LDPE बोलते हैं वो ऑब्टेन हो रहा है। कैसे ऑब्टेन हो रहा है, अभी मैंने पीछे जो है वो डिस्कस किया, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से जो है वो फॉर्म हो रहा है। एंड एच एब्स्ट्रैक्शन, मतलब एच जो है वो हट रहा है और दूसरी तरफ जगह जो है वो बॉन्डिंग कर रहा है। इट इज हाईली ब्रांच्ड स्ट्रक्चर, बहुत ज्यादा ब्रांच्ड स्ट्रक्चर जो है ये रहता है। दीज पॉलीमर्स हैव स्ट्रेट चेन्स विद सम ब्रांचिंग्स एज शोन बिलो। हाईली ब्रांच्ड स्ट्रक्चर मतलब ये बहुत लंबा एक ब्रांचिंग है, इथीन 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 पॉलीथीन जो है वो हम लोगों के पास बन गया, और दूसरा भी इथीन 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 पॉलीथीन जो है वो बन गया। अब ये जो दो पॉलीमर्स की चेन्स हैं इथीन्स की, ये आपस में कुछ छोटी छोटी बॉन्डिंग से जो है वो एक दूसरे के साथ हमारे पास जो है वो यहाँ पे अटैच हो रही हैं और हम लोगों के पास जो है वो LDPE बन रहा है। अब LDPE की सबसे बड़ी खासियत पता क्या है हम लोगों के पास, LDPE केमिकली जो है वो इनर्ट है, टफ है, बट फ्लेक्सिबल है और पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। ये करेक्टरिस्टिक्स बेटा MCQs की फॉर्म में काफी ज्यादा पूछी जाती है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ LDPE। अब ये नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ LDPE करके पूछ लेंगे कि वो केमिकली रिएक्टिव होता है, टफ होता है, ठीक है, फ्लेक्सिबल, इनफ्लेक्सिबल होता है और पुअर कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का। अब केमिकली इनर्ट होता है, ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। मतलब चारों करेक्टरिस्टिक्स एक लर्निंग प्रोस्पेक्टिव से जो है वो आपको पता होनी चाहिए कि LDPEs की हम लोगों के पास जो है वो क्या केमिकल करेक्टरिस्टिक्स जो है वो रहती है। तो मैं ज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये जो है वो आपको क्लियर है। उसके बाद हम लोगों के पास जो है कहां पे LDPE जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, ये इंसुलेशन के तौर पे जो है इस्तेमाल कर रहे हैं, इन द इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक वायर्स की फॉर्म में, जैसे वो PVC की उसके ऊपर जो है वो हम नॉट PVC जैसे वायर्स के ऊपर जो है वो एक कोटिंग आ जाती है, ठीक है, तो वो इंसुलेशन करती है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्क्वीज बॉटल्स, मतलब ऐसी बॉटल्स जो कि जिसको हम लोग मोड़ सकते हैं, जैसे पानी वाली बॉटल्स होती हैं यूजुअली, कोल्ड ड्रिंक वाली बॉटल इतनी जल्दी मुड़ती नहीं है मतलब, लेकिन पानी वाली बॉटल जो है वो स्क्वीज हो जाती है, ठीक है। तो स्क्वीज बॉटल्स, टॉयज और फ्लेक्सिबल पाइप्स
जो कि मुड़ने वाली प्लास्टिक की पाइप्स होती हैं, उसके फॉर्मेशंस के लिए हम लोग जो है वो LDPEs का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या क्या देखो इसके अंदर जो है वो कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पहला तो टेम्परेचर और रिएक्शन कंडीशन हम लोगों के पास क्या थी, 350 से 570, 1000 ATM से 2000 ATM के बीच में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था। बेंजोइल परऑक्साइड इनिशिएटर जो है वो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोगों के पास क्या क्या इसकी करेक्टरिस्टिक्स थी, केमिकली इनर्ट था, इंसुलेटिंग मटेरियल था, ठीक है, जो है वो पुअर कंडक्टर था इलेक्ट्रिसिटी का। तो इस तरह की सारी करेक्टरिस्टिक्स आपको जो है वो इसमें पता होनी चाहिए। और तीसरा जो है यूजेस के तौर पे स्क्वीज बॉटल्स टॉयज, या मतलब ऐसे पूछ सकते हैं स्क्वीज बॉटल्स में कौन सा पॉलीमर जो है वो इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से यूजेस से क्वेश्चन जो है वो काफी ज्यादा बन जाते हैं, आपको ये सारी चीजें जो है वो क्लियर रहनी चाहिए। तो मैं ज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये सब फंडे जो है वो आपके क्लियर है। उसके बाद हम लोग जो है वो बात करेंगे, किसकी बात जो है वो होने वाली है, HDPE की, हाई डेंसिटी पॉलीथीन की बात जो है वो हम लोग करने वाले हैं। तो ये है, इट इज फॉर्म्ड व्हेन द एडिशन ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन टेक्स प्लेस इन अ हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट इन द प्रेजेंस ऑफ, देखो बेटा जी रिएक्शन कंडीशंस अलग हैं, प्रोडक्ट जो है वो थोड़ा अलग तरीके से जो है वो बन रहा है। अब कौन सा सॉल्वेंट के अंदर हम लोग जो है ये रिएक्शन करवा रहे हैं, कोई हाइड्रोकार्बन का सॉल्वेंट है उसके अंदर हम लोग ये रिएक्शन करवा रहे हैं, किस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जो ये रिएक्शन हो रही है बेटा, ये कैटलिस्ट का नाम जो है ना जिगलर नाटा कैटलिस्ट। बहुत बार कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो, नीट में देख लो, JEE में देख लो, मतलब ये क्वेश्चन जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिगलर नाटा कैटलिस्ट है क्या, कौन सा होता है जिगलर नाटा कैटलिस्ट। तो यहां पे क्या है, ट्राई इथाइल मतलब C2H5 ट्राई का मतलब है तीन बार, यहां पे आ गया एल्यूमिनियम, ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम जो है वो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, या टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड जो है TiCl4, इन दोनों के मिक्सचर को हम लोग जो है वो जिगलर नाटा कैटलिस्ट जो है वो बोल रहे हैं। तो ये जो केमिकल रिएक्शन हो रही है ये हाइड्रोकार्बन एज ए सॉल्वेंट की प्रेजेंस में हो रही है। दूसरा, इसके अंदर हम लोग कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं, किसके अंदर, HDPE के फॉर्मेशन की बात हो रही है, इसके अंदर हम लोग कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं जिगलर नाटा कैटलिस्ट। जिगलर नाटा कैटलिस्ट हम लोगों के पास क्या है, ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम है या टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड को जो है हम लोग जिगलर नाटा कैटलिस्ट बोलते हैं। इससे जो टेम्परेचर कंडीशन है बहुत कम है, मतलब आप देख लो 333 टेम्परेचर, वहां पे क्या था 370 से 500 कुछ था, ठीक है, यहां पे 333 से 343 के बीच में ही जो है ये रिएक्शन हो रही है, वहां पे LDPE में, वहां पे मतलब LDPE में 1000 से 2000 एटमोस्फेरिक प्रेशर था, लेकिन जब हमने ये कैटलिस्ट जिसको हम लोग जिगलर नाटा कैटलिस्ट जो है वो बोल रहे हैं, तो उसके अंदर सिर्फ 6 से 7 एटमोस्फेरिक प्रेशर ही जो है वो हम लोगों को चाहिए। तो इतनी एक्सट्रीम रिएक्शंस कंडीशंस को जो है वो एकदम सबसाइड जो है वो कर दिया, किसने सबसाइड कर दिया, किसने कम कर दिया, हमारे पास ये मिक्सचर ने जिसको हम लोग जो है वो जिगलर नाटा कैटलिस्ट जो है वो हम लोग अपने पास बोल देते हैं। तो मैं ज़ूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये जो है वो क्लियर है। तो उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि हाई डेंसिटी पॉलीमर दस कंसिस्ट ऑफ अ लीनियर चेन एज शोन इन द फिगर, ठीक है, और क्लोज पैकिंग जो है वो इसके अंदर रहती है, सच पॉलीमर्स आर ऑल्सो कॉल्ड, इनको हम लोग लीनियर पॉलीमर्स जो है वो बोल देते हैं। ये केमिकली इनर्ट है, बहुत ज्यादा हार्ड है एज कंपेयर टू पिछला वाला, ठीक है। इट इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बकेट्स, मतलब आप कंपेरिजन कर लो स्क्वीज बॉटल्स के प्लास्टिक को और बकेट्स के प्लास्टिक्स को, डस्टबिन जो है वो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, बॉटल्स पाइप्स जो है वो प्लास्टिक की जो बन रही हैं वो इससे बन रही हैं, जिसको हम लोग HDPE जो है वो बोल देते हैं। इसके अंदर देखो ब्रांचिंग वगैरह नहीं है, आपस में कोई इस तरह का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, सिंपल लीनियर, इसीलिए इसको हम लोग जो है वो यहाँ पे एक लीनियर पॉलीमर जो है वो भी बोल रहे हैं। तो मैं ज़ूम करके चल रहा हूँ बेटा जी, ये जो है वो आपको क्लियर है। उसके बाद बड़ा बहुत ही खतरनाक मटेरियल है जो किचन के अंदर आजकल हम लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, टेफ्लोन कोटिंग वाले जो है वो नॉन स्टिकी फ्राई पैन्स जो आते हैं हम लोगों के पास, या नॉन स्टिकी जो तवे हम लोग इस्तेमाल करते हैं कुकिंग के लिए, तो ये इसको बोलते हैं हम लोग टेफ्लॉन। टेफ्लॉन हम लोगों के पास क्या है, पॉली टेट्रा फ्लोरो इथीन, पॉली टेट्रा फ्लोरो इथीन जो है उसको टेफ्लॉन बोल देते हैं। देखो टेट्राफ्लोरो तो CF2 डबल बॉन्ड CF2 इसको बोल रहे हैं हम लोग, देखो चार फ्लोरीन है तो टेट्राफ्लोरो, और आगे क्या है कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच है तो इथीन बोल दिया।
अब ये हो गया टेट्राफ्लोरोइथीन। अब जब बहुत सारे टेट्राफ्लोरोइथीन एक दूसरे के साथ जो है वो जुड़ रहे हैं तो उसको हम लोग जो है वो टेफ्लोन बोल रहे हैं, या इसके आगे एक और टर्म लगा रहे हैं विच इज पॉली टेट्राफ्लोरोइथीन। अब ये नॉन स्टिकी सर्फेसिस कोटेड यूटेंसिल्स के अंदर, लेकिन यार मैं आपको सच बताऊं तो ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा खराब है। नॉन स्टिकी फैंस जो है वो इस तरह के केमिकल्स इसके ऊपर लगे हुए हैं जो कि कहीं से भी हमारी बॉडी की हेल्दी कंडीशंस के लिए फेवरेबल जो है वो नहीं है। तो मैं पर्सनली सजेस्ट नहीं करता कि आप ये जो टेफ्लोन कोटिंग वाले बर्तन जो है वो इस्तेमाल करो, लेकिन हाँ हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है, तो इसलिए जो है वो यहाँ पे टेट्रा इसको जो है वो इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो टेफ्लोन इज मैन्युफैक्चर्ड बाय हीटिंग टेट्राफ्लोरोइथेन विद अ फ्री रेडिकल और पर सल्फेट कैटलिस्ट। यहाँ पे फ्री रेडिकल या पर सल्फेट कैटलिस्ट इस्तेमाल हो रहा है हाई प्रेशर्स पे। केमिकली इनर्ट है, रेसिस्टेंट टू द अटैक बाय द कोरोसिव रिएजेंट है। इट इज यूज्ड इन मेकिंग ऑयल सील्स गास्केट्स, ऑयल सील्स बनाने का इस्तेमाल कर रहा है, गास्केट्स बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं इसको। नॉन स्टिकी कोटेड यूटेंसिल्स जो है वो हम लोग इसको बनाने में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं ज़ूम करके चल रहा हूँ, टेफ्लोन के सारे जो कि एक एडिशन पॉलीमर है वो आपको क्लियर है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट जो है वो अभी हम लोग मूव कर रहे हैं जिसको हम लोग बोलेंगे क्या, पॉलीएक्रोनाइट्राइल। पॉलीएक्रोनाइट्राइल जो है वो हम लोगों के पास क्या है, अब यहाँ पे देखो एक्रोनाइट्राइल हम लोगों के पास ये है CH2CHCN, CN जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट है। यार तुमने ना एक चीज़ नोटिस करी है, पता नहीं नहीं करी है, मैं आपको ना एक चीज़ समझाता हूँ। जितने भी ये पॉलीमर्स है ना, अब यहाँ पे देखो इसका मोनोमेरिक यूनिट है हम लोगों के पास ये जो है, अब इसको जो है वो अपने को कैसे इस्तेमाल करना है मैं आपको बता रहा हूँ, इससे पॉलीमर जो है वो कैसे बनाना है। देखो है क्या ये, एक सेकेंड इसको जो है वो हम लोग गायब कर दें। अरे जा भाई तू, अबे तुम क्यों आ रहे हो सभी तंग करने आज नहीं जाएगा, आ चला गया। चलो तो ये देखो, अब ध्यान से समझ लेना बेटा, बहुत कोई मजाक की बात नहीं इसके अंदर। सी एच टू डबल बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है सी एच, और आगे हम लोगों के पास क्या है सी एन है। जितने भी एडिशन पॉलीमर्स है ना इसी फंडे पे जो है वो काम कर रहे हैं। पहले तो क्या करो, ये सी एन जो है ना सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू पे एडिशन होगा, मतलब एडिशन कौन कौन सा कार्बन कर रहा है, ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन कर रहा है किसी भी पॉलीमर के अंदर जो कि एक एडिशन से फॉर्म हो रहा है उसमें आप देखोगे तो यही होगा। चाहे इवन स्टाइरीन के केस में भी आप इसको देख लेना। अब ये क्या हो रहा है सी एच टू, इसको ना ऐसे करके लिख दो सी एच, और ये जो तीसरी चीज याद है ना यहाँ पे अटैच है उसको ऐसे लिख दो। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना, ये कार्बन और ये कार्बन डबल बॉन्ड बना के बैठे हुए थे, ये वाला बॉन्ड जो है वो हम लोगों के पास ब्रेक कर गया, कर गया बॉन्ड ब्रेक, इसके पास अपना इलेक्ट्रॉन आ गया, इसके पास अपना इलेक्ट्रॉन आ गया। अब यहाँ पे देखो ध्यान से इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना, ये कार्बन अपनी चेन फॉर्म करने की कैपेबिलिटी रखता है, ये आगे फर्दर फॉर्म करने की कैपेबिलिटी रखता है, ऐसे करो और यहाँ लगा दो एन, बन गया अपने पास पॉलीएक्रोनाइट्राइल। तो यहाँ पे जो है वो पॉलीएक्रोनाइट्राइल का फॉर्मेशन जो है वो हम लोगों के पास यहाँ पे हो जाएगा। तो ये मैं ज्यूम करके चल रहा हूँ बेटा जी, आपको पता लग गया कि पॉलीएक्रोनाइट्राइल जो है वो किस तरीके से फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे देख लो ये हम लोगों के पास जो है वो पॉलीएक्रोनाइट्राइल है। अब ये देखो ये वूल का जो है वो एक सब्स्टिट्यूट है हम लोगों के पास कमर्शियल फाइबर्स के अंदर, एक्लेरेंस के अंदर जो है, मतलब एक फाइबर जैसे वो आर्टिफिशियल वूल के तौर पे जो है वो इसको इस्तेमाल कर रहा है। मेरे को लगता है शायद मैंने पीछे जो है वो इसको जिक्र किया था कहीं ना कहीं पे पॉलीएक्रोनाइट्राइल का, ठीक है। आगे जो है वो हम लोग बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे देख लो ये होमोपॉलीमर है या कोपॉलीमर है। देखो अब ये होमोपॉलीमर है या कोपॉलीमर है कैसे पता चलेगा, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। अब ये वैसे ना स्टाइरीन है, आपने अगर इसको ध्यान से पता नहीं देखा है कि नहीं देखा, इसको देखो यहाँ पे जहाँ पे अटैचमेंट जो है वो हो रखा है। अब ये ब्रैकेट में डाल रखा है ना, यही छोटी छोटी पहचान होती है, नहीं तो बच्चा इसी में फंस जाता है। ब्रैकेट में डाल रखा है ना तो मतलब ये नहीं है भाई, ये बॉन्ड नहीं बना रहा, इसको नीचे रखो। इसको नीचे कैसे रखो, यहाँ पे देखो सी एच टू फिर ये सी एच, इसको रखो यहाँ पे सी सिक्स एच फाइव, क्योंकि उन्होंने भी इसको ब्रैकेट में डाल रखा है, स्पेशल बिहेवियर जो है वो दे रखा है, ये बन रहा है एन। तो बहुत सारे ये मॉलिक्यूल्स जो है वो एक दूसरे के साथ रिपीट कर रहे हैं, तो ये हम लोगों के पास जो है वो स्टाइरीन जो है वो होगा। तो मैं ज़ूम करके चल रहा हूँ, ये आपको पता लग गया कि ये होमोपॉलीमर जो है वो हम लोगों के पास एक क्यों शो कर रहा है। तो एडिशन पॉलीमर्स जो है वो यहाँ पे हम लोगों के पास जो है वो खत्म हो रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर जो है वो बेटा जी कंडेंसेशन पॉलीमर्स की बात करेंगे। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा और सारे कॉन्सेप्ट्स जो है वो आपके क्लियर हो गए। सच में चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए यार, एफर्ट काफ़ी लग रहा है और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक बड़ा ही अच्छा और स्मूथ जो है वो एक ऑडियंस हमारा बिल्ड हो, और हम लोगों को जो है वो आप लोगों से सपोर्ट चाहिए, और आप ज़रूर करेंगे। मिलते हैं बेटा जी नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड स्टे कनेक्टेड।